Hello friends, welcome to my new video. Today we are going to study interest and annuity. I hope aap mere pichle videos padh rahe honge aur aap uska fayda utha rahe honge. Ab exam aane wale hain to please thoda dhyan se practice kariye aur in sab videos ko dhyan se suniye. Baar baar jab aap isko sunenge aur practice karenge to surely aapka maths ka dar aapse hat jayega. तो आज हम सेकेंड सेमेस्टर FIBCOM मुंबई यूनिवर्सिटी का यूनिट 2 डिस्कस करेंगे. ये सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट 2 मैं इसलिए पहले डाल रही हूँ क्योंकि अब स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम का समय है, तो जो सेमेस्टर 2 के लिए बैठ रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक अभी काम आएगा. तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट एंड एनुइटी में मैंने एक चार्ट बनाया है. इस पूरे चैप्टर में सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो बात है, ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है पर कोशिश की है कि ये इजी लगे. इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है जिससे क्लियर होता है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, कितने फॉर्मूले हैं और कौन सा फॉर्मूला क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है और कैसे, तो मैंने उसके लिए टिप्स भी लिखे हैं. तो देखिए टोटल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दो फॉर्मूले हैं. अब ध्यान से देखिए, सिंपल इंटरेस्ट आपको जैसे मालूम भी है, छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PNR/100. आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, रेलवे का टिकट का PNR नंबर होता है, उस तरह से आप याद रख सकते हैं. पर एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, पी फॉर प्रिंसिपल, एन इज नंबर ऑफ ईयर्स, देखिए यहाँ मैंने स्पेसिफाई किया है, और R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होती है तो हम उसको R/100 लिखते हैं. 5% वर्ड नहीं लिखेंगे, 5/100 लिखेंगे. और नंबर ऑफ ईयर्स पे इम्फेसिस क्यों किया, क्योंकि 6 months अगर दिया है सो दैट विल इक्वल टू 6/12 ईयर्स, दैट मीन्स हाफ ईयर. और दूसरा फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, अमाउंट इज इक्वल टू P+SI, सिंपल इंटरेस्ट. सो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. अब ये दो फॉर्मूले में से किसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे तो वो आपसे पूछेगा फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट, देन वो ये सब देगा, अमाउंट दे सकता है, प्रिंसिपल, एन, आर, कोई भी वैल्यू दे सकता, सबकी वैल्यू देगा. अगर वो आपसे अमाउंट पूछता है तो भी वो आपको इनमें से बाकी सब वैल्यूज देगा. वो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ सकते हैं एग्जामिनर, वो आपसे एन भी पूछ सकते हैं, पर अकॉर्डिंगली रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी गिवन. सब अब आगे चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ए, अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान रखिए सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालते हैं फिर अमाउंट में उसको प्लस करते हैं, अमाउंट के लिए प्रिंसिपल में उसको प्लस करते हैं. यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला पहले है फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है. तो पहले अमाउंट निकालेंगे, पी इज इक्वल पी इंटू 1+R/K टाइम्स, दिखाई दे रहा है के इंटू 100, R/K×100 रेज टू पावर K×N. अब यहाँ N भी नंबर ऑफ ईयर्स है और K क्या है, K जानना बहुत जरूरी है. K इज नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड. कई बार आपसे बोला जाता है द रेट इज पर एनम, तो व्हेन इट इज पर एनम एंड द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली मतलब एवरी 6 months में इट इज कैलकुलेटेड. सो दैट मींस इफ इट इज हाफ ईयरली देन हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर इट विल बी कैलकुलेटेड, 2, देन के बिकम्स 2. सिमिलरली इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली देन के इज 4, देन मंथली 12, ईयरली 1. सो के मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड. नाउ इट मेक्स द डिफरेंस इन रेट एज वेल एज नंबर ऑफ टाइम्स इट इज कैलकुलेटेड. सो नंबर ऑफ टाइम्स में इट बिकम ईयर्स के साथ इट गेट्स मल्टीप्लाइड एंड रेट में इट गेट्स डिवाइडेड. यहाँ पे आपको बता दूँ, एक साल की अगर रेट 12% है तो हर महीने 12-12% नहीं मिलता. एक साल की अगर 12% है और मंथली कैलकुलेट किया तो एक महीने में कितना परसेंट रेट मिलेगी, 1, ऐसा हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. ठीक है, मिलता आपको साल भर का ही है और उसका एक अलग फॉर्मूला है, मगर यहाँ पर आप इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हैं. तो 1+R/K×100 रेज टू पावर KN इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट विच इट
which one gets. What is compound interest? Amount minus principal. Amount minus principal. अब यहाँ पर एक सवाल और पूछते हैं, which is called as find the present value. या फिर right now what is the value of the amount calculated after 4 years. अगर इस तरीके के question पूछें, now word आए, now, तो इसका मतलब वो present value पूछ रहा है, किसकी? Compound interest की. So present value is nothing but principal. If it is a compound interest question, then the value of present value is nothing but the principal. अब ये मैं यहाँ क्यों specify कर रही हूँ, क्योंकि present value एनुइटी में भी आता है और स्टूडेंट्स को ज़्यादातर तकलीफ होती है कंपाउंड इंटरेस्ट और एनुइटी के फॉर्मूले में कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उनको समझता नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है या फिर एनुइटी का. तो यहाँ पे देखिए, मैंने कोशिश की है समझाने की. कंपाउंड इंटरेस्ट के दो फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले क्लियर हो गए. ये अमाउंट है विच इज़ वन प्लस पी इंटू वन प्लस आर अपॉन के हंड्रेड एज टू पावर के एन, कंपाउंड इंटरेस्ट ए माइनस पी एंड प्रेजेंट वैल्यू विच इज नथिंग बट द प्रिंसिपल. सो इसी फॉर्मूले से निकल आता है, अमाउंट से, अमाउंट अपॉन वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड, ये वैल्यू आ जाती है, रेज टू पावर एन विच गिव्स द पी. हेयर एनुइटी, वॉट इज एनुइटी? एनुइटी इज बेसिकली द सम वैल्यू विच इज रिपीटेड एवरी ईयर और रेगुलरली. जैसे कि आपके पेरेंट्स LIC का प्रीमियम भरते हैं तो वो हर साल भरते हैं, लोन की किस्त चुकाते हैं, सो दैट इज़ एवरी ईयर या मंथ या एवरी 6 months में. सो रेगुलरली सेम अमाउंट अगर कभी कहीं जमा किया जाए तो उसको एनुइटी कहते हैं. सो इसका मतलब है यहाँ पर कम और हो, कॉमन पॉइंट क्या है इन दोनों में, कंपाउंड इंटरेस्ट और एनुइटी, दोनों में इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही कैलकुलेट होता है, इसीलिए कंफ्यूजन बढ़ जाता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में लिखा है. तो अब एनुइटी का फॉर्मूला है या कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये निकालना थोड़ा ट्रिकी है. तो देखिए कैसे वो ट्रिक थोड़ी दूर कर सकते हैं. एनुइटी का सवाल में दो फॉर्मूले हैं. सबसे पहले हम चूज करेंगे किसका सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या एनुइटी. अगर एनुइटी का सवाल है तो उसमें प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू है. तो एनुइटी का सवाल है तो उसमें कैसे वर्ड्स आएंगे, ईच, एवरी, रेगुलरली, इंस्टॉलमेंट एक्सेट्रा, ये सब वर्ड्स क्वेश्चन में होंगे. तो इसका मतलब वो किसका सवाल है, एनुइटी का. अब अगर हम देखें तो एनुइटी में दो क्वेश्चंस हैं, एक प्रेजेंट वैल्यू और एक फ्यूचर वैल्यू. फ्यूचर वैल्यू में क्या है, अनु, अनु मैंने एनुइटी को लिखा है, ANU, अनु इंटू वन प्लस आर अपॉन के टाइम्स हंड्रेड रेज टू पावर के एन माइनस वन अपॉन आर अपॉन के हंड्रेड. ये जो वैल्यू है उसमें के क्या है, ये पहले वाला के नहीं है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स एनुइटी इज कैलकुलेटेड. मतलब एनुइटी मंथली है, हाफ ईयरली है, ईयरली है, उसके अकॉर्डिंग के आएगा. अगर हाफ ईयरली है तो के टू, क्वार्टरली है तो फोर, मंथली है तो 12, ईयरली है तो 1. बट मीनिंग चेंज हो गया है, यहाँ पे नंबर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट थे, नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, यहाँ नंबर ऑफ टाइम्स एनुइटी इज गिवन. तो यहाँ के का मीनिंग थोड़ा चेंज है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. अब दूसरा है प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू में है अनु, फॉर्मूला थोड़ा टेढ़ा है, सीधा करती हूँ. प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एनुइटी इंटू वन प्लस आर अपॉन के हंड्रेड माइनस रेज टू पावर के एन माइनस वन अपॉन आर अपॉन के हंड्रेड इंटू वन प्लस आर अपॉन के हंड्रेड रेज टू पावर के एन. देखिए इन दो फॉर्मूले में सिर्फ इस फैक्टर का डिफरेंस है, तो आपको कुछ नया याद नहीं करना, फॉर्मूला सिमिलर है, बट इसमें प्रेजेंट वैल्यू में वन प्लस आर अपॉन के हंड्रेड रेज टू पावर के एन से एक बार और डिवाइड हो गया है. तो कोई नया फॉर्मूला याद मत रखिए, एक ही फॉर्मूला है जिसमें बस आपको डिफरेंस क्या है प्रेजेंट वैल्यू के लिए, ये एक फैक्टर वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड रेज टू पावर के एन, ये डिवाइड हो जाता है. अब इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अगर प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है तो वो ज़्यादातर EMI का क्वेश्चन होगा या लोन का क्वेश्चन होगा या इंस्टॉलमेंट्स का क्वेश्चन होगा. इंस्टॉलमेंट्स भी उसमें आती हैं,
इंस्टॉलमेंट्स का क्वेश्चन होगा। अगर फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है तो जैसे रिकरिंग डिपॉजिट है, फ्यूचर वैल्यू है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू है, ये सब वर्ड्स क्वेश्चन में आएंगे। ईच एवरी रेगुलरली तो आएगा ही, पर इसके या इनमें से कोई एक वर्ड और साथ में ये ईएमआई लोन अगर है तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा, डिपॉजिट है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू है तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा। आई थिंक ये अब क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन में ही जज करना बताऊंगी कि सबसे पहले हम चेक कैसे करें कि किसका क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिख के रखे हैं। देखिए मिस्टर खन्ना नीड्स 40 लाख रुपीज फॉर हिज न्यू बिजनेस आफ्टर 3 ईयर्स। He wishes to put aside some money. Money now in a bank giving 9% compound interest per annum. Compound interest. So that after 3 years, he would get this required amount. How much should he put aside now? Now hai. So iska matlab kahin na kahin present value hai. Now मतलब प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू में वी नीड टू चेक कि ये किसका सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर एनुइटी। अब कैसे चेक करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट का तो नहीं है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन में ही है, तो इट विल बी अ क्वेश्चन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ये श्योर हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में दो आते हैं, या तो कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर एनुइटी, दोनों में प्रेजेंट वैल्यू है। तो अब ये किसका सवाल है, ये हमें चेक करना है। क्या इसमें, इस क्वेश्चन में कहीं जहां पैसा लिखा है वहां ईच एंड एवरी वर्ड आया है? देखिए चेक करिए, कहीं ईच एंड एवरी वर्ड नहीं है। तो अगर ईच एंड एवरी वर्ड नहीं है सो ये एनुइटी का क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये किसका सवाल हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रेजेंट वैल्यू का। ठीक है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन से हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब जब हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट वैल्यू का सवाल है तो बस अब हमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। क्या आपको अमाउंट मालूम है? यस मालूम है, 40 लाख रुपीस। आर मालूम है? यस मालूम है, 9%। यू जस्ट हैव टू पुट इनटू द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर एज प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखिए वही मैंने किया, फॉर्मूला कैसे चेक किया आपको बताया मैंने। कंपाउंड इंटरेस्ट प्रेजेंट वैल्यू का सवाल है, यहाँ पर K1 है क्योंकि कंपाउंडेड पर एनम है। अब 40 लाख इज इक्वल टू, अमाउंट की जगह 40 लाख रुपीस रखूंगी। प्रिंसिपल क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल पूछा है, प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट प्रिंसिपल, एंड 1 + 9/100 इज टू पावर क्यूब। अब आप कहेंगे आपने यहाँ तो डिवाइड किया है और यहाँ मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो ये डिवाइड जो है वो इसी फॉर्मूले से तो आया है। देखिए ऊपर ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले में अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना हो तो दिस विल गो इन डिविजन ऑफ ए। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने क्या किया, 40 लाख इज इक्वल टू पी इंटू 1 + 9/100 इज टू पावर 3। क्यों? क्योंकि 3 भी दिया हुआ है। सो सॉल्व किया, सॉल्व करने पर मुझे मिला यह आंसर, विच इज 30,88,734 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली। सो दैट मीन्स इफ ही पुट्स दिस मच मनी नाउ, ही विल गेट आफ्टर 3 ईयर्स विद दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट 40 लाख रुपीज। Okay, so for that he has to invest this much money. Now let us take another example. Dekhiye, what sum should be set aside at the end of each year for 4 years at 10% per annum compound interest to replace a machinery which is expected to cost rupees 50 लाख एट दैट टाइम। अब आप देखिए यहाँ पर किसका सवाल है, हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या कर रहा है वो, सेट असाइड, पैसे आज रखने हैं उसने, आज नाउ वर्ड नहीं है, कुछ पैसे अभी वो कितने रखे उसने पूछा है। सो दैट अगर 4 साल तक हर साल ईच वर्ड आया, तो ईच वर्ड आया तो क्या सोचना है, सबसे पहले किसका सवाल है, ईच वर्ड आया तो किसका सवाल है, एनुइटी का। सो नाइदर सिंपल इंटरेस्ट नॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें सोचना ही नहीं,
सीधे हम किस पर जाएंगे, एनुइटी। अब एनुइटी के दो क्वेश्चंस हैं, आइदर इट इज फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। सो लेट अस हाउ विल वी चेक वेदर इट इज फॉर फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। देखिए यहाँ पर अगर इंस्टॉलमेंट होता या लोन होता तो ये प्रेजेंट वैल्यू का सवाल होता, या नाउ वर्ड होता नाउ तो भी ये प्रेजेंट वैल्यू का सवाल होता। यहाँ पे ना नाउ है, ना लोन है, ना कुछ इंस्टॉलमेंट जैसा क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या है, उसने कहा आज वो कितना पैसा रखे कि उसका 50 लाख रुपया 4 साल के बाद जमा हो जाए, जमा हो जाए। तो आज वो हर साल कितना पैसा रखे, तो हर साल वो कितना पैसा पूछ रहा है, इसका मतलब वो एनुइटी पूछ रहा है, क्योंकि एनुइटी इज दैट अमाउंट विच इज टू बी केप्ट एवरी ईयर। सो ही इज आस्किंग एनुइटी, बट द फॉर्मूला इज ऑफ फ्यूचर वैल्यू, नॉट द प्रेजेंट वैल्यू। व्हाई? बिकॉज उसने बोला है नाउ नहीं पूछा, उस समय 50 लाख रुपए हो जाएगा। सो दैट मीन्स द फ्यूचर वैल्यू इज 50 लाख रुपीज। नाउ लेट अस सी, सो फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, अनु 1 + r/100 इज टू पावर n। k को मैंने 1 लिया क्योंकि वो पर एनम है, और यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर भी ईयरली एनुइटी पे हो रही है, तो k 1 हो गया। सो 1 + r/100 - 1 / r/100। जब मैंने आंसर में वैल्यू लिखी, सो वैल्यूज लिखने पर सॉल्व करा, 50 लाख इज इक्वल टू अनु 1 + 10/100 इज टू पावर 4 - 1, विच कम्स आउट टू बी अनु इंटू 1.1 raised to power 4 - 1। सो टोटल मिलाकर इट कम्स आउट टू बी अनु इंटू 4.641। सो व्हेन आई सॉल्व, अनु केम आउट एज 50 के नीचे चला जाएगा ये वैल्यू, तो 50 लाख इज इक्वल टू अनु 4.641 था, तो अनु वैल्यू चाहिए, एनुइटी की वैल्यू चाहिए। सो दिस पर्टिकुलर वैल्यू विल गो एज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन डिविजन ऑफ 50 लाख रुपीज। सो 50 लाख डिवाइडेड बाई 4.641, दैट कम्स आउट टू बी 1077 3 4 3 5 4। सो दिस मच शुड बी द एनुइटी विच ही शुड केप्ट, he should keep for every year for 4 years, so that after 4 years he gets 50 lakh rupees. So this is how much, 10,77,354 rupees. ठीक है, सो आई थिंक आपको विन दीज क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट और एनुइटी के क्वेश्चंस को हम कैसे डील कर सकते हैं। इसके साथ और भी क्वेश्चंस करिए, और मुझे आपके क्वेरीज और कमेंट्स का इंतजार रहेगा। प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, सो दैट दे कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट, टू अदर कॉलेजेस ऑल्सो। थैंक यू।